कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही मिल गया भगवान तुझे दिल को दुखा के, अरमानों की नगरी में मेरी आग लग। माता जी, आजकल आप बहुत सोचने लग पड़े। उनके जाने के बाद खाली खाली सा लगता है सब। जी किसके? भूषण वगैरह के। भूषण प्राजी पहले भी हमारे साथ कब रहते थे कि उनके जाने का आप अफसोस करो? नहा लिया। अरे आपकी शेर बच्चे ने अपना मुंह धो लिया, यही बहुत है। नाश्ता कर ले। ना सत आ जाए फिर इकट्ठे कर लेने नाश्ता। जनानियों की सेवा में जुटा है, बाल्टियां भर भर के ले जाता है। और माता ये सदबीर है। आपके वास्ते भूषण प्राजी सब कुछ है ना, उनके जाने का इतना अफसोस है, हमारे साथ होने की कोई खुशी नहीं। बीबी रानी और बच्चे भी चले गए। बीबी रानी तो हमने तेरे करोड़पति ला देनी है। हमेशा करोड़पति की बेटी की बात करता रहता है, तेरे को शर्म नहीं आती? शर्म तो गरीबी में आती है। आज इंटरव्यू में तेरी नौकरी पक्की हो जाए तो मैंने तेरी शादी बबली से तय कर देनी है। बबली? माता जी इस तरह का मजाक मत किया करो मेरे से। उस कंगली से शादी करूं मैं, न देखने की मतलब की न सुनने की, उससे शादी करने से तो बेहतर है कि मेरी 6 पीढ़ियां कुंवारी रह जाएं। ये क्या तरीका है बात करने का? हाँ? किसी लड़की के बारे में इस तरह बोला जाता है? माता जी ये सच में कितना वक्त लगा। रोशन क्या बात है? क्या बात है कि बच्चे तेरे को क्या मिल गया बबली जी का दिल दुखा के? वो इधर आ रहे थे, उन्होंने सारी बात सुन ली, रोते हुए गए। तू जाके मना ले। बेशरम, क्या खराबी है उनमें बोल। तेरे को पसंद है तू कर ले शादी। माताजी ने तो उसका इंसानियत पर यकीन लौटाया, तू तो उसको इंसानियत से प्यार करना सिखाने लग पड़ा। बेहया सबको अपने जैसा समझता है क्या? अरे तेरे को जवाब मर्द समझता हूँ तो क्या गलत करता हूँ? कपड़े की क्रीज खराब हो जाएगी, इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू देना है? नाश्ता नहीं करना क्या? अभी तो नाश्ता ही करना है, जब होटल में नौकरी लग जाए तो वो करना है ब्रेकफास्ट। मैं इजाजत चाहूंगा जेबी जी। जे फॉर जय, बी फॉर भूषण, जी किस लिए? आदर के लिए है जी। क्यों, क्या मैं तुम्हें अपनी फादर की एज का दिखाई देता हूँ जो मुझे आदर देते हो? हैं? भाई सारे दोस्त मुझे जेबी कहते हैं, तुम भी कहा करो। आपका मुलाजिम हूँ जी मैं। क्या ये लाजिम है कि तुम दफ्तर के बाहर भी मुलाजिम बने रहो प्रिंस? भाई जब मैं तुम्हें दफ्तर के बाहर प्रिंस कह सकता हूँ तब तुम मुझे जेबी क्यों नहीं कह सकते? कोशिश करूंगा। फौरन करो। कहो जेबी, कहो जेबी। Yes, that's it. अच्छा जी आप मुझे इजाजत दें, माता जी फिक्र करने लगते हैं। इतने लंबे चौड़े बालक की फिक्र? बेटा सर, हमारे लिए भी वही और साहब के लिए भी वही। आपके लिए बियर और साहब के लिए पानी। पानी नहीं, शुद्ध जल। इंटरव्यू में क्या हुआ रोशन? वही जो हमेशा होता है, उन्हें हमारा चौकटा पसंद तो आया मगर इतना नहीं कि नौकरी पर बहाल कर दें।
तो मैं चलूं? वो क्या है जी कि पिताजी की खबर नहीं लग रही, इसलिए आजकल माताजी हमारे बहुत परेशान रहने लग गए हैं। मैंने आपको बताया था ना हमारे पिताजी लापता हैं। मेरे पापा तो शुरू से लापता हैं, तुम्हारे तो ढूंढने पर भी मिल जाएंगे, मगर मेरे पापा तो। ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहे हैं, पापा ने मुझे सब कुछ दिया, बस अपना वक्त नहीं दिया, अपनी सोबत नहीं दी। पर लाला विश्वान तो हमेशा घर में रहते हैं। दूरी तो पास रहते हुए भी बनाई रखी जा सकती है, घर में तो वो इधर कुछ समय से रहने लगे हैं मजबूरी में, बीमारी ने उन्हें इस लायक नहीं छोड़ा कि कहीं बाहर जा सके, वरना महीने में 20 दिन तो दिल्ली से बाहर ही रहते थे। पता नहीं क्या सच है क्या झूठ, लोग कहते हैं वो मेरी माताजी से शादी नहीं करना चाहते थे। गुस्ताखी माफ, पर इस तरह की घरेलू बातें बाहर वालों के सामने नहीं की जानी चाहिए। मैं तुम्हें बाहर वाला नहीं मानता प्रिंस, ना तुम मेरे कुछ लगते हो, ना तुम्हें मुझ में कुछ कॉमन है, फिर भी पता नहीं क्या है जो मुझे तुमसे जोड़ता है। गोपाल जी जैसे दोस्त पूछते हैं कि तुम उसे झेल कैसे पाते हो, मगर ऑनेस्टली मुझे तुम्हारी कंपनी पसंद है, आई लाइक इट। जी शुक्रिया। शुक्रिया तुम्हारा किस बात का? कि तुम्हें कुछ है, मैं तुमसे घरेलू बातें कर सकता हूं, वरना तो मेरी बातचीत के दो ही टॉपिक रहते हैं, गेम ऑफ क्रिकेट एंड द गेम ऑफ लव। वैसे प्रिंस तुम्हारा भाई भी गेम ऑफ लव का अच्छा खिलाड़ी मालूम होता है। फिल्म का तो ऐसा है जी कि ऑफर्स तो मेरे को बहुत थे, पर मैंने डिक्लाइन कर दिया। मुझे चाहिए कोई चैलेंजिंग रोल। अब आप ही बताइए मिस प्रसाद रोशन कि पेड़ की चारों ओर हीरोइन के पीछे भागने में कोई चैलेंज है? ये तो हीरोइन पर मुनसर करता है रोशन। मेरा आपसे पूरा इत्तेफाक है, और मेरे को ये कहने की इजाजत दें कि आप जैसी एक भी हीरोइन होती ना पंचोली वालों के पास, तो मैंने इस पेड़ के कई चक्कर काट लेने थे। इस रोशन को तो हमेशा किसी करोड़पति की बेटी की तलाश रहती है। तब तो वो धोखा खा रहा है। ये सच है कि बजरंगी प्रसाद करोड़पति है, और ये भी सच है कि ये उसे पब्लिक में बेटी बेटी कहकर पुकारते हैं, मगर ना तो ये उनकी बेटी है और ना इसे उनकी जायदाद से कुछ मिलना है। हाँ, अब जिससे रोशन टकराया है वो करोड़पति की इकलौती बेटी है। बात यह है कि मैं यहाँ नया हूँ, आपके फादर को जानता नहीं हूँ। वो तो अक्सर यहाँ आते हैं, आए तो बोलना कि आपकी बेटी निवेदिता आपको ढूंढ रही थी। मैंने अर्ज किया ना कि मैं उन्हें पहचानता नहीं हूँ। I'm sorry. असल में मैं इतनी परेशान हूँ कि बाबा जिमखाना में मेरे साथ थे, फिर पता नहीं कहाँ चले। आप घर जाओ, शायद वहीं होंगे। अम्मा, करोड़पति की इकलौती बेटी ढूंढते फिरते हो, और जब वो सामने आती है तो बड़े शाइस्ता ढंग से उसे धकिया देते हो। वो तो करोड़पति दिख ही नहीं रही थी। जो सचमुच करोड़पति हो उसके लिए करोड़पति दिखना जरूरी नहीं रह जाता। ये निवेदिता थी, सपन सेन गुप्ता की इकलौती बेटी। सपन सेन गुप्ता के होटल में इंटरव्यू देने गया था मैं। बहुत सी जायदाद फूक चुका है, लेकिन 1 करोड़ का आसामी अब भी होगा। पहली बीवी और इकलौता बेटा कार एक्सीडेंट में मारेगा, दूसरी बीवी जिससे ये लड़की है इसे छोड़ के चली गई। अगर ये ठीक से अपना बिजनेस देखे तो इसके सामने कोई नहीं टिक सकता। बिजनेस तो अब मैंने देखनी है। इस तरह चपड़ चपड़ बोले तो ना सेनगुप्ता ने आसपास फटकने देना है, ना उसकी बेटी ने। बहुत ही संस्कारी लोग हैं। मैंने उनके सामने बिल्कुल चुप रहना, और मुंह खोलना भी है तो वही बोलनी है। अब भला करे क्या नाम है उसका, हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर की शायरी। निवेदिता को तो सीरियस लोग पसंद है। हाँ, अगर ये प्रिंस कोशिश करे तो इसका चांस बन सकता है। मैंने 100% सदबीर बन जाना है करोड़पति करने की खातिर। आप इसकी बेवकूफी की बातें सुनते रहो,
मेरे को घर जाने दो। कैंप में जाके जल्दी रोटी खाऊं तो पिताजी का पता करने एक दो जगह जाऊं। नहीं, मैं भी चलता हूं। जल्दी सोऊंगा तो जल्दी उठूंगा, और कल सुबह नाश्ते की मेज पर मैं भी अपने लापता पापा को खोजने की कोशिश करूंगा। मैंने जी लाहौर में चॉकलेट सोल्जर का उर्दू अडेप्टेशन डायरेक्ट किया है। रमेश और आनंद दोनों कदमों में लौट गए। अरे बेवकूफ, इससे उसे थोड़ी इंप्रेस होना है। तो फिर मैं क्या करूं? हाँ, मेरे को फिल्मों में चांस। अरे खोते है, फिल्म की नहीं, इल्म की बात कर कोई निवेदिता जी से। बस टगोर टगोर टगोर, खुर कुछ नहीं। बादशाह, टगोर का नाम तो जब लेना है, पर नाम क्या है तो कुछ पता ही नहीं है। सदबीर, सच से कहूंगा, सदबिरादर टगोर पढ़ और मेरे को मेन मेन पॉइंट समझा दे। अब तो सब काम सच से सीख के ही करना पड़ेगा। वैसे जेबी कह भी रहा था कि इस करोड़पति की बेटी को सदवर्ग के बंदे बहुत पसंद है। सदवर्ग? माता जी, बहन जी, देवी जी, निवेदिता जी, चलता हूं, लौट के मिलता हूं। सब गए, मैं ही हूं। कौन है? मुसीबत सर। लार्ज ए लार्ज व्हिस्की। बार बंद हो गया है। क्या बोले? द बार इज क्लोज्ड सर। शट अप इम्प्रूडेंट रस्कल। सपन सेन गुप्ता को उसके अपने होटल में बोलता है बार इज क्लोज्ड। नॉनसेंस। ये क्लब है जी, बार बंद हो गया जी। क्लब है? नेवर माइंड, जल्दी व्हिस्की लाओ। रात जास्ती हो जाने से हमारा डॉटर हमारे लिए वरी करेगा। अच्छा, व्हिस्की लाओ। मिस निवेदिता जी यहाँ पर आई थी आपको ढूंढते हुए, आप उनसे फोन पर बात कर लें। गेट मी द व्हिस्की, समझा? गो गो गेट लास्ट व्हिस्की लाओ। लाला रोशन बाग, मैंने कहा बार इज क्लोजर। व्हिस्की आप बुड्ढे को पिला नहीं सकते, ऐसा करो इस घर छोड़ो और बुड्ढे की बेटी से नाता जोड़ो। सर चलिए। तुम हमको छूने का हिम्मत कैसे किया? व्हिस्की वर्ज में व्हिस्की, व्हिस्की किधर है? सर आपने व्हिस्की के लिए नहीं, टैक्सी के लिए कहा। टैक्सी, आपको घर जाना है, आपकी बेटी इंतजार कर रही है। व्हिस्की सॉरी माँ, आई एम वेरी सॉरी। जिमखाना में कुछ दोस्त मिल गए, उनके साथ चला गया। चौकीदार साहब को अंदर ले जाओ। चलिए तो आराम कर। ये दोस्ती तो दुश्मन बन गया जान के। आप ये बताइए कि आप सब जानते हुए भी क्यों मेरे बाबा को पीने के लिए बैठा देते हैं? जी मैं तो क्लब में सिर्फ मुलाजिम हूँ। ओ हाँ, आपसे तो मैं मिली थी, लेकिन आपने तो बोला था कि आप मिस्टर सेनगुप्ता को पहचानते ही नहीं। जैसे ही पता चला वैसे ही मैंने यहाँ ले आया। आज्ञा दीजिए, मेरी माता जी परेशान हो रही होंगी। आप बैठिए, मैं गाड़ी से छुड़वा देती हूँ। नहीं निवेदिता जी, उसकी कोई दरकार नहीं है। अरे दरकार कैसे नहीं, आप बैठिए। अरे आपकी कमीज तो। कोई नहीं, घर जाके बदल लेनी है। पापा की ओर से मैं माफी मांगती हूँ, उनका लिवर कमजोर हो चला है, फिर भी लोग उन्हें पिला देते हैं। आप कमीज बदल लीजिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है निवेदिता जी। जरूरत कैसे नहीं है, चलिए। आपका नाम क्या है जी? रोशनलाल। तो रोशनलाल जी, आप कमीज बदल लीजिए। जी आपके आदेश का पालन तो करना ही होगा निवेदिता जी। आइए। और
रोशन, लाला रोशन दा। ओह लाला रोशन लाल, और ये स्विमिंग पूल है। लाला रोशन लाल, ये हुई ना कोई बात, ये वाला कोई बाथरूम। अजी आपको पसंद आ गया हो तो आपको दिलवा देना बाथरूम समेत ये कोठी। बाथरूम समेत? बिटिया समेत। लो जी, ओ किस तरह का मजाक हो गया, ओ अगले की तो तमीज तक उतर वाली। क्या कहिया भगवान, तुझे दिल को दुखा के है अरमानों की नगरी। अगर ये तो फिर नहीं है, अब कोई नहीं खोते हैं, हम अपने को फिट कर रहे हैं। निवेदिता जी, आपको जाना कहाँ है रोशनलाल जी? निवेदिता जी, मैं पुराना किले कैंप में रहता हूँ। आप शरणार्थी हैं? जी, मैं अपने आप को पुरुषार्थी समझना पसंद करता हूँ। क्लब में आपकी नौकरी पक्की है? जी नहीं, ये तो पार्ट टाइम काम है। दिन में मैं पैराशूट सिल्क बेचने का धंधा करता हूँ। अच्छा, अब मैं इजाजत चाहूंगा। और हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा सेन गुप्ता साहब हमारे क्लब में आए तो मैंने बिल्कुल पीने नहीं दूंगा। धन्यवाद। आप होटल में काम करना चाहेंगे? अवसर मिले तो क्यों नहीं। कल जब आप कमीज देने आएंगे मैं बाबा से आपकी बात करा दूंगी। धन्यवाद जी। मेरे को लगता है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। उसकी कोई संभावना नहीं जी। मैंने आपको टैगोर की किताबों में देखा है। आपने टैगोर पढ़ा है? कभी पढ़ा था, अब तो सारा वक्त पेट पालने की कोशिशों में लगा रहता है। अच्छा, नमस्ते निवेदिता जी। नमस्ते। तू तो खा ले पुत्र, वो तो पता नहीं कब लौटेगा रोशन। इकट्ठे ही खा लेने माता जी, तब तक मैं अखबार पढ़ के लौटा दूं। क्या रखा है अखबार में? देश के तो दो टुकड़े कर दिए, अब देख दूसरे के टुकड़े कर रहे हैं। लोगों से भरी गाड़ियां पहुंचती हैं इधर से उधर और उधर से इधर। तेरे पिताजी का भी कुछ पता नहीं चला है, और तुम लड़के हो कि अपनी अपनी धुन में कोई वक्त से घर भी नहीं लौटता। इससे तो अच्छा मैं लाहौर में ही रह जाती। माता जी, मैं तो खुद लाहौर रहने के लिए तैयार था। आप ये कह के लाए थे पिताजी ने दिल्ली आ जाना है, अब आप तो उस यकीन पे कायम रहो। कायम तो हूं, लेकिन ये अखबार पढ़ पढ़ के। बंद कर इसे। माता जी, आप तो कहते थे पिताजी अपने वादे से कभी नहीं हटे, आने को कहा है तो जरूर आएंगे। जब मैं उनसे पढ़ती थी एक बारी मैंने उनसे डिक्शनरी मांगी, कहने लग पड़े कल ला देंगे। अगले दिन बड़ी बारिश हुई तो भी पहुंचे भीगे हुए। मैंने उनसे कहा मास्टर जी आपको जुकाम हो जाना है, तब मोम जाम में लिपटी हुई डिक्शनरी दी और कहा मैं तो कसरती आदमी हूं लाजू जी, मेरे को कुछ नहीं होना। ये बुढ़िया डिक्शनरी भीग जाती तो जरूर स्वर्ग से धार जाती। कहकर हंस पड़े। दिन में एक बार ही जरूर हंसते थे। दिन में एक बार ही जरूर हंसते हैं, जहां भी होंगे हंसते होंगे। हाँ माता जी,
माता जी, आजकल आपको पुरानी बातें बहुत याद आने लग पड़ी हैं। जब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं पुत्र, तब यादें ही रह जाती हैं। क्या मिल गया भगवान तुझे दिल को दुखा के, अरमानों की नगरी में मेरी आग लगा के। बंद करिए मनहूस गाना। अजी गाकर फरियाद करी, रब ने फायर ब्रिगेड भिजवाई, बच गई मेरे अरमानों की नगरी, मिल गई करोड़पति की बेटी। मेरे को तेरी ये शेख चिली वाली बातें बिल्कुल पसंद नहीं है रोशन। ये कमीज कहाँ से ले आया, कबाड़ी बाजार से? करोड़पति सेन गुप्ता से लाया। आज उसने अपनी कमीज दी है, कल वो अपनी कनीज देगा। कनीज माने बेटी नहीं, दासी होता है। दासी? अपना तो स्टाइल ही ऐसा है, दासी बना के ही रखनी है। ला माता जी डिनर करा, कल जब सेन गुप्ता का होटल अपना हो जाना है तब तो रसोइयों का बनाया हुआ ही खाना है। माता जी, माता जी मैं इतनी बड़ी खुशखबरी लाया और आप मुंह बनाए बैठे हैं। आपके सतबीर को एक भोला भाला करोड़पति बच्चा मिल गया और आपके रोशन को एक भोली भाली करोड़पति बच्ची। आपकी तो पांच उंगलियां घी में है। ओए बकवास बंद करना, माता जी बहुत परेशान है आज, पिताजी की कोई खबर नहीं लग रही। प्राची भी आके आज कह गए थे कि यूपी में पूछवाया, वहां के कैंपों में भी नहीं है। प्राची तो माता जी आप फिक्र मत करो, मैं और सतबीर पूरी कोशिश करके पिताजी को ढूंढ लाने। हाँ माता जी, मैं जेबी से छुट्टी लेकर अगले हफ्ते पंजाब निकल जाऊंगा और आप ही ढूंढ के आऊंगा। मुंशी खजान चंद वल दीवान चंद, इनके बचे 10, फिर भी नहीं 10, क्योंकि भरे तभी मन जब हो दर्जन। छोटे लाट के छोटे लाटों